एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रितिका दुआ, डाइटिशियन इन आयुर्वेदा सिंस 16 इयर्स इन मॉडल टाउन। तो आज मैं आपको मल्टी मिलेट पोहा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए, ये आपको पता है मल्टी मिलेट पोहा, जो कि प्रोटीन और वेट लॉस, प्रोटीन और फाइबर जो है प्रमोट करता है वेट लॉस में। तो इसके लिए हमें चाहिए टमाटोस, बेल पेपर, जुकीनी, अनियन, कड़ी पत्ता, बेसिल लीव्स और मल्टी मिलेट पोहा। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियां ले सकते हैं। मेरे पास जो जो अवेलेबल था मैंने ले लिया, और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने इसमें लिया है। तो आपके पास गाजर है या मटर है, जो भी है वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कप पोहा लेना है, और ये पोहा बहुत ही पतला है, तो आप इसको छानी या फिर बहुत बारीक छानी लेके ही करिए। तो इसको अभी हमें ऐसे पानी से पूरा भिगोना नहीं है, बस इसे थोड़ा सा पानी बस ऐसे कर लेना है, पानी से भिगोना नहीं है, नहीं तो ये सारा हो जाएगा। ये सबसे हमारा पहला स्टेप है, जो कि इस पे लिखा हुआ है, टेक कप वन कप पोहा एंड रिंस देन रनिंग वाटर। तो अब आपको सिर्फ इतना ही इसको करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चम्मच घी लेना है या तेल जो भी है, उसके साथ ये मैंने कड़ी पत्ता लिया है और इसके साथ मैंने बेसिल लीव्स भी लिए हैं, तो आप इसको इसमें डाल दीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल है, गार्लिक, जिंजर, जो भी है वो आप डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। जो भी आप नॉर्मल तड़के में यूज करते हैं, राई, जीरा, अब आपको इसमें अनियन डालना है। थोड़ा सा आपको इसको सॉटे करना है। अब इसमें मैं बेल पेपर डाल रही हूँ, जुकीनी हम बाद में डालेंगे, जुकीनी थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो मैंने बेल पेपर डाल दिया। अब इसमें हम लोग जुकीनी डालेंगे प्लस टमाटर डालेंगे। तो ये हमारा देखिए कितना अच्छा लगा है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स भी आ रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये जो हमारा मल्टी मिलेट पोहा होता है, इसमें हमारे 6 टाइप के पोहा होता है, फॉक्सटेल मिलेट फ्लेक, लिटिल मिलेट फ्लेक, पर्ल मिलेट फ्लेक, सॉर्गम फ्लेक, रागी फ्लेक एंड रेड राइस फ्लेक। तो जब सारे एक साथ मिल जाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, इससे हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो ये हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डालना है नमक, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला। आप लोग मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि बेल पेपर में भी मिर्ची होती है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए हम लोग लाल मिर्च नहीं यूज़ किया है। थोड़ा सा चाट मसाला फॉर द टेस्ट यूज किया है। तो आप देखेंगे कि ये अभी पक रहा है, तो हम इसको पकने देंगे थोड़ा सा, ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। अब फाइनली मैं इसमें ये अपना डालने जा रही हूँ, मैंने डाल दिया है। Thank you.
ये है हमारा बनके रेडी है। ये देखिए ये हमारा पोहा जो है रेडी हो गया बनके। अब हम इसमें खूब सारे धनिया की गार्निशिंग कर देंगे। मुझे धनिया बहुत पसंद है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है पोहा बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग पोहा एंजॉय कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।